हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीक हम फिर से गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। देखेंगे इस वीक में हमें डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड में कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहे हैं एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस वीक में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाले है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जो कि इस वीक में आपको गोल्ड में एनालाइज करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक गोल्ड में हमारा क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, तो प्रीवियस वीक का यहाँ पे जो एनालाइज था वो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया था, एक चैनल को मार किया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पैरेलल चैनल को मार्केट ने प्रीवियस वीक काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे हमने देखा मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल कर रहा था। इसके लिए हमने देखा मार्केट कहां तक फॉल कर सकता है, कौन से लेवल को मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो यहां पे हमने 2 एरिया मार्क किया था, ये था हमारा फर्स्ट सपोर्ट और ये था हमारा सेकंड सपोर्ट। हमने ये जो सपोर्ट मार्क किया था वो 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हुए यहां पे मार्क किया। चलिए मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। यहां पे ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे जो भी एरियाज हम मार्क करते हैं मार्केट काफी अच्छे से उस लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस वीक यहां पे जो हमने फर्स्ट सपोर्ट मार किया था, एक्सेट मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं से देखो बुलिश ने शो किया। सेकंड व्यू था हमारा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा ये वाला हो जाता है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। प्रीवियस यहां पे हमने डाटा को देखा और यहां पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम भी काफी अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, इसी के बेस पे हमने क्या किया, ये सपोर्ट यहां पे एक्सटेंड कर दिया। तो हमने देखा ये बहुत अच्छा सा सेकंड सपोर्ट है जिसको मार्केट होल्ड कर सकता है। और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे ही हमारे सपोर्ट को यहां पे ब्रेक किया, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक किया, सेकंड सपोर्ट को ही मार्केट ने होल्ड किया, इसी को रिस्पेक्ट किया और यहीं से देखो मार्केट ने काफी अच्छा एक बुलिशनेस शो किया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीवियस वीक का एकदम सिंपल सा एनालाइज। हमने क्या किया था, सिर्फ फर्स्ट सपोर्ट मार किया था और सेकंड सपोर्ट यहां पे मार किया था, बस मार्केट ने काफी अच्छे से इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप आपने भी प्रीवियस वीक का वीडियो देखते हुए इस तरीके से अपना फर्स्ट सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट को मार किया होगा और काफी अच्छे से अपना ट्रेड प्लान किया होगा। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैंने आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन से लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है और कौन सा वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हम कैसे मार्क कर सकते हैं। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से सीखने के लिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप हमें ईमेल पर कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको कोर्स का डिटेल सेंड कर दूंगा। चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम गोल्ड में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसके बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें कहां सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो सबसे फर्स्ट हमें ये वाला सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार सा सपोर्ट एरिया है, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये ऐसा करके हम मार कर लेंगे। लेवल की अगर बात करें, देखेंगे 1900, 2600, 59 एंड 1885.186 का ये हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखो कितने अच्छे से सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और कैसे एनालाइज करना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क होती हुई देखने को मिलेगी जो कि आपको कंफर्मेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये देखिए परफेक्ट हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क हो जाता है जिसको मार्केट ने देखो प्रीवियस टाइम कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, रेजिस्टेंस लिया है, फॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जैसा क्रिएट किया है, मार्केट इस पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा है
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो कौन से लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, कौन से लेवल का मार्केट एक हाई लगा सकता है, ये यहाँ से हम कैसे मार्क करें, रेजिस्टेंस एरिया कैसे यहाँ पे हम मार्क करें। तो सिंपल, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, जो भी हमारा ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन का वेव का जो एक रेजिस्टेंस होता है, उसको मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है। तो ये दिख रहा है हमें काफी स्ट्रॉन्ग वाला एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल की बात करें, रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, 1987.024 एंड 1967.093 का ये हमें ट्रेडिंग व्यू में एक लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस लेवल का हमारा है ये एक रेजिस्टेंस एरिया। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार सा एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं, जो कि आपको काफी ज्यादा मदद करेगा एनालाइज करने में इस वीक में, ठीक है। ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। सबसे पहले जो हमने डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन को मार्क किया है, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लूंगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखो मैंने चार्ट को जूम कर लिया है, अभी ध्यान से देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है ऐसा करके। ये हमारा ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन ऐसे करके मार्क हो जाता है काफी शानदार तरीके से। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने देखा अभी, ये भी हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट देखो नेगेटिविटी शो कर रहा है, रेड कैंडल जैसा बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है, अब यहाँ पे अगर फॉल करता है तो कहां तक फॉल कर सकता है। देखो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट किस लेवल का सपोर्ट ले सकता है, वो हम कैसे मार्क करें। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये वाला हमें सपोर्ट मार्क कर लेना है। ये काफी अच्छा सा हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, ऐसा करके हम इसको मार्क करेंगे, ठीक है। बहुत शानदार सा सपोर्ट है, माइनर सा सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं, मार्केट ने देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लग हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे, हमारे सपोर्ट को काफी अच्छा रिस्पेक्ट करे, सपोर्ट ले, इसके बाद यहां से हो सकता है मे भी अपने ट्रेंड को यहां से रिवर्स करे, यानी ये एक नया हायर हाई बनाए, हो सकता है मे भी, ठीक है। तो ऐसा करके यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। माइनर सा सपोर्ट लेवल की बात करें, 1918.044 एंड 1913.700 का ये हमें एक माइनर सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा माइनर सा रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ भी एक पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है, इस पैटर्न का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद हो सकता है मैं भी यहाँ से बुलिशनेस शो करे। तो यहाँ पे हमें ये वाला एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एक और ये है हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, ऐसे करके मार करें, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको अगेन यहाँ से रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये हमारी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर बुलिशनेस यहाँ पे शो करता है, तो इस लेवल के आसपास अपना हाई लगा सकता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस कौन सा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमने जो यहाँ पे देखा डेली टाइम फ्रेम में, ये रेजिस्टेंस एरिया, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, 1948.519 का ये हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालाइज किया, डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें कुछ इस तरीके से सिंपल ट्रेंड लाइन को मार्क करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, हमारे
हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है। फिर सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है मार्केट हमें यहाँ से एक अप डायरेक्शन में देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसा करके हम इस वीक में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स गोल्ड में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा इस वीक में हम डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। देखो कितना ज्यादा सिंपल यहाँ पे हमने एनालाइज किया है, कितने सिंपल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को मार किया है। अगर आपको एनालाइज पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।